हिमाचल ग्रामीण बैंक कर्मचारियों द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर सोमवार को हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक ऑफिसर ऑर्गेनाइजेशन के बैनर तले मंडी सेरी मंच से जेल रोड मुख्य कार्यालय तक धरना प्रदर्शन किया गया। हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक ऑफिसर ऑर्गेनाइजेशन के प्रदेश महासचिव विशाल शर्मा ने कहा कि आज मंडी में हिमाचल ग्रामीण बैंक कर्मचारियों द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में ग्रामीण बैंकों में BPS को लागू किया गया है, लेकिन प्रदेश में ग्रामीण बैंक प्रबंधक द्वारा आधा अधूरा लागू किया है, जिसका हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक ऑफिसर ऑर्गेनाइजेशन विरोध कर रही है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण बैंक पंजाब बैंक के अधीन है, तो ग्रामीण बैंक कर्मचारियों को भी पंजाब नेशनल बैंक के बराबर सुविधाएं दी जाए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण बैंक में कार्यरत सफाई कर्मी जिन्हें न के बराबर वेतन दिया जाता है, इसके साथ ही प्रबंधन द्वारा छेड़छाड़ की गई है और उन्हें वेतन उनके खाते में ट्रांसफर न कर कैश में वेतन दिया जा रहा है, जिसका भी हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक ऑफिसर ऑर्गेनाइजेशन विरोध करती है। भारत सरकार ने हाल ही में 8 जुलाई 2024 को ग्रामीण बैंकों में 12th BPS जारी करने के आदेश जारी किए हैं, लेकिन हमारे प्रबंधन द्वारा पहले तो उन्हें जारी नहीं किया गया और जब फिर किया गया तो आधा अधूरा जारी किया गया। अभी इन्होंने संगठन के दबाव के चलते पिछले कल ही एक इसके संबंध में एक परिपत्र निकाला है, लेकिन उसमें तिथियों को लेकर के और अन्य कई चीज़ों को लेकर के बहुत सी खामियां व्याप्त हैं, जिसका हम विरोध करते हैं। दूसरी बात कि ग्रामीण बैंकों में विभिन्न कोर्टों ने विभिन्न संस्थाओं ने ये माना है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, इसको लेके चलते हुए हमारी एक और मांग है कि जो भी हमारी सुविधाएं और जो भत्ते लागू हों वो PNB के समकक्ष, क्योंकि हमारा प्रायोजक बैंक पंजाब नेशनल बैंक है तो उसके समकक्ष सारी सुविधाएं लागू होनी चाहिए। तीसरी बात, प्रबंधन द्वारा हाल ही में सफाई कर्मी जो कि न के बराबर वेतन में वर्षों से कार्य कर रहे हैं उनकी वेतन अदायगी से भी छेड़छाड़ की है, उन्हें डिजिटल माध्यम से खाते में ट्रांसफ़र न करके कैश में पेमेंट दी जा रही है, जबकि कर्मचारी संघ और ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन इसका पूर्व में एक समझौता पंजाब नेशनल बैंक के दिल्ली के मुख्य कार्यालय में संगठन के साथ हो चुका है, तो उस समझौते को भी दरकिनार करते हुए इन्होंने उस वेतन अदायगी के तरीके से छेड़छाड़ की है। पैसा बढ़ाना तो दूर की बात, लेकिन जहां सरकार द्वारा भारत सरकार द्वारा डिजिटल डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफरी उसके अंतर्गत यही कोशिश की जा रही है कि बंदे के खाते में पैसा जाए तो वहाँ उसे छेड़छाड़ करना हमारी समझ से परे है। उसके साथ साथ संगठनात्मक गतिविधियों में भी इन्होंने दखलंदाजी की है, इन्होंने संगठन पे भी प्रहार किया है कि संगठन की सदस्यता को रद्द किया जाए, कम की जाए ऐसे, लेकिन हम आपके मीडिया के माध्यम से पहुंचा बता दें कि हम इनके मंसूबे कामयाब नहीं होने देंगे। ये शहरी मंच पर लगा ढेर जो 350 पूरे प्रदेश के कोने कोने से पांगी, साच, चंबा, सोलन, ऊपर आपके मंडी, पूरा आउटर सराज, ये सारे लोग अपना यहाँ विरोध जताने आए हैं। 1000 लोगों में से अगर यहाँ 400 के आसपास लोग पहुँचा है तो इसका मतलब ये प्रबंधन की कुनीतियों के खिलाफ खड़े हुए हैं और ये अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए यहाँ आए हैं। अब हम यहाँ से HO जाएंगे और वहाँ भी हम इन सारी बातों का लेकर के विरोध प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि बैंक प्रबंधक उनकी मांगों को नहीं मानता है तो 28 अक्टूबर को हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक ऑफिसर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा एक दिन की हड़ताल की जाएगी और उसके बाद दिल्ली में पंजाब नेशनल बैंक के मुख्यालय में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। मंडी से समाचार फर्स्ट ब्यूरो की रिपोर्ट।